नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरुदयाल है और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सुपर ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियन पोस्टल बैंक IPPB में कभी भी CSP लेने का प्रोसेसर नहीं था, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि IPPB में बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। तो दोस्तों यहाँ जितने भी CSEBLE है, साथ ही साथ आप अगर CSE में काम नहीं भी करते हो, इंडिविजुअल व्यक्ति हो, तो भी दोस्तों आप IPPB का CSP ओपन कर सकते हो। दोस्तों साथ ही आप लोगों को पता होगा कि IPPB का जो CSP ले रखे हैं और CSP एजेंट बने हुए हैं, उन लोगों को डुअल स्टेप आधार सेंटर भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर आप CSEBLE हो या इंडिविजुअल व्यक्ति हो तो आप लोग IPPB का CSP ले सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने आधार सेंटर का एग्जाम पास कर रखा है, आप लोगों को भी डुअल स्टेप आधार का काम मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को IPPB का एजेंट बैंक BC लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप इंडियन पोस्टल बैंक का CSP कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट ही इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि आप लोगों को बैंक BC दिया जाएगा IPPB का, इंडियन पोस्टल बैंक का। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी की, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। किन किन लोगों को मिलेगा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों F में लिखा हुआ है कि कॉमन सर्विस सेंटर, तो ये कॉमन सर्विस सेंटर CSE वालों को भी मिलेगा, और साथ में जो ऑनलाइन कार्य काम करते हैं उनको भी मिलेगा, और साथ में जो जिन्होंने कंप्यूटर सेंटर का दुकान उन खोल रखा हो उनको भी मिलेगा ये। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ टर्म एंड कंडीशन बताया गया है, तो यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन लिखा हुआ है। द टर्म एंड कंडीशन एंड विल बी एग्रीमेंट विल बी एज पर द एग्रीमेंट टू द अवेलेबल टू विद द बैंक। तो ये यहाँ पे जो एग्रीमेंट होगा वो आप 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए करवा सकते हैं या 5 साल के लिए करवा सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट के ऊपर आपको बैंक BC मिलेगा। पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, जो है डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगा, इस फॉर्म को कैसे भरना चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपका फ़ोटो लगेगा, यहाँ पर नाम, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पैन नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी नेम, उसका जो डिटेल ये मांग रहा है वो सारी डिटेल हमें भर देना है। भरने के बाद इसको जो डॉक्यूमेंट्स इसके साथ मांग रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और यहाँ पे सिग्नेचर करना है। गारंटी में देखिए यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि आपका पासपोर्ट लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो कार्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो वो आप लगा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेने के बाद और इस फॉर्म को फिल करने के बाद अब आप सोच रहे हो कि आगे प्रोसेस क्या होगा, चलिए हम बताते हैं। सभी फॉर्म जो फॉर्म मैंने बताया है उसको इकट्ठा करके उसका एक फाइल बनाना है, और यहाँ पे उसके बाद लिखा है क्लिक एंड ब्रांचेज, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल के आपके सामने आएगा, यहाँ पे सभी ब्रांच का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेलेक्ट स्टेट, तो यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है आपको। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट ढूंढ लेना है, तो चलिए ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जिस जिला का नाम आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर एक एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर जाकर हमें अपना फॉर्म, अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर जाके जमा करना है। ये खुद नोटिस में लिखा गया है और नोटिस में दिया गया है। जमा होने के बाद आपके सेंटर का एक बार वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आपको इंडियन पोस्टल बैंक का CSP दे दिया जाएगा। तो काफ़ी बड़ी अपडेट है, और ये पहले ये फैसिलिटी पहले नहीं दिया गया था। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।